दोस्तों, इससे पहले ही कि मैं आप लोगों के सामने साउथ इंडस्ट्री की आने वाली एक और जबरदस्त मसाला मूवी के टाइटल टीजर का रिएक्शन रखूं, कि उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा कि भाई, जिस फिल्म में दो डायनामाइट एक साथ फटने के लिए तैयार हो, तो भैया वो डायनामाइट कैसे फटेगा? क्या वो पुश करेगा या फिर वो बूम करेगा? कैसे फटेगा वो, आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए। तब तक मैं आप लोगों को बताता हूं कि भैया कैसा है वॉल्टियर विरैया का ये टाइटल टीजर, क्या लग रही है इस फिल्म की कहानी, क्या इस फिल्म में ऐसा है कुछ खास कि इस फिल्म को लेकर मैं कह सकूं आप लोगों से ये बात कि भैया ये मसाला मूवी टिपिकली आपका दिल सिनेमा घर में जीतेगी और भाई ये फिल्म कमाई के मामले में झंडे गाड़ देगी। तो चलिए समझते हैं इस फिल्म के टाइटल टीजर के रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों, वॉल्टियर विरैया को लेकर यह जानकारी तो काफी दिनों से हम लोग के सामने आ रही थी कि भैया इस फिल्म में साउथ इंडस्ट्री के रियल मेगा स्टार यानी कि चिरंजीवी सर के साथ नजर आएंगे साउथ इंडस्ट्री के मास महाराजा यानी कि रवि तेजा, यानी कि भैया साउथ इंडस्ट्री की ये दो पावरफुल स्टार एक साथ बॉक्स ऑफिस पर आकर जबरदस्त धमाका करने की तैयारी कर चुके हैं। और ये तैयारी जो है ना भैया, वो 2022 वाली नहीं है बल्कि 2023 वाली है। यानी भैया इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ गई है कि भैया वॉल्टियर विरैया जो है भैया वो इस साल सिनेमाघर में रिलीज नहीं होगी बल्कि 2023 में मकर संक्रांति के दिन सिनेमाघरों में रिलीज होगी। यानी कि आप इस फिल्म को मकर संक्रांति के दिन सिनेमाघरों में देख सकते हो। लेकिन भैया इस फिल्म को लेकर जो सबसे दुखद खबर हम लोगों के सामने आई है वो ये है कि भैया इस फिल्म को लेकर अभी तक ऑफिशियली यही बात बताई गई है कि यह फिल्म जो है वो केवल तेलुगु लैंग्वेज के माध्यम से सिनेमाघरों में रिलीज होगी। यानी कि भैया ये फिल्म हिंदी लैंग्वेज में रिलीज होगी कि नहीं, ये आने वाले दिनों में हमें पता चल पाएगा। लेकिन अभी तक तो इस फिल्म को लेकर बस यही जानकारी आई है कि भैया ये फिल्म जो है वो तेलुगु लैंग्वेज के माध्यम से सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। और भाई आज जिस तरह से इस फिल्म के टाइटल टीजर को हम लोग के सामने रखा गया, उसको देखने के बाद तो ये बात साफ हो रही है कि भैया इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि बॉबी कोहली ने इस फिल्म को बहुत ही शानदार तरीके से तैयार किया है। क्योंकि भैया उनको ये बात पता है कि भैया उनके फिल्म में दो रियल पावरफुल स्टार अपना पावरफुल परफॉर्मेंस देने वाले हैं। तो भैया उनको किस तरह से इस्तेमाल करना है इस फिल्म में, यानी कि भैया टाइटल टीजर किस तरह से हम लोग के सामने आता है। भैया एक विलन जो है वो चौड़े में बैठा है और बोलता है चिरंजीवी सर को कि भैया तुम्हारी आवाज मुझे सुनाई दे रही है, तुम्हारी गूंज मुझे सुनाई दे रही है। और उसके बाद भैया चिरंजीवी सर जो धमाका करते हैं ना अपने बीड़ी को जलाकर, उसको देखने के बाद भैया उस विलन की जो है ना हो जाती है। और उसके बाद भैया हम लोगों के सामने ये जानकारी आती है कि भैया चिरंजीवी सर इस फिल्म में जबरदस्त पावरफुल एक्शन वाला अवतार दिखाएंगे। तो दोस्तों वाकई में इस फिल्म का ये टाइटल टीजर जो है वो बहुत ही शानदार है, बहुत ही जबरदस्त है। इसको देखने के बाद तो भैया ये बात समझ में आ रही है कि भैया इस फिल्म के माध्यम से एक जबरदस्त मसाला मूवी वाली कहानी लेकर आएंगे भैया इस फिल्म के मेकर सिनेमाघरों में, जिसमें आपको चिरंजीवी सर के साथ में रवि तेजा का पावरफुल परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। लेकिन भैया इस फिल्म के इस टीजर के माध्यम से जो खबर हम लोग को दी गई ना भैया कि ये फिल्म हिंदी में रिलीज नहीं होगी, भैया ये खबर बहुत बुरी है मेरे भाई। अरे भाई, इन दिनों साउथ की फिल्मों को हम लोग भी देखना चाहते हैं सिनेमाघरों में, हम इंतजार करते हैं आपकी फिल्मों का। भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं भैया, आप फिल्म को हिंदी में भी रिलीज करो। ऑडियंस जो है तैयार है, हिंदी ऑडियंस अब आपकी फिल्मों को सिनेमाघर में देखने के लिए तैयार है। अगर आप मौका देंगे तो हिंदी ऑडियंस भी आपकी फिल्म को सिनेमाघर में देखने जाएंगे। तो भैया क्यों हम लोग को रुला रहे हैं? तो भैया ऐसा है कि इस फिल्म को हिंदी में भी आप लोग रिलीज कीजिए, क्योंकि कई लोग कमेंट के माध्यम से ये बात हमसे कहेंगे कि भैया ये तो फिल्म तेलुगु में आ रही है तो भैया इस फिल्म को लेकर इतना हवा काहे बना रहे हैं। तो भाई ये फिल्म देखिएगा, हिंदी में भी रिलीज होगी, क्योंकि भैया इन दिनों साउथ के मेकरों को भी ये बात समझ में आ गई है कि भैया हिंदी ऑडियंस भी उनकी फिल्मों को देखने के लिए अब बेताब रहती है। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि भैया जो सवाल मैंने आप लोगों से शुरू में किया था कि भाई जिस फिल्म में दो पावरफुल डायनामाइट एक साथ फटने के लिए तैयार हो, तो भैया वो कैसा धमाका करेगी, क्या वो पुश करेगी या फिर बम करेगी, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।